लगातार पिछले कई दिनों से अगर बात की जाए तो धर्मन ट्रस्ट के एम्प्लॉयज जो हैं धरना करते हुए नजर आ रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे और आज इस समय ये लोग आप देख सकते हैं कि इंदिरा चौक से हरी मार्केट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि धर्मन ट्रस्ट को जो है श्री श्राइन बोर्ड के तहत ला दिया जाए, उसके तहत जो है उसे लाया जाए, क्योंकि इनका कहना कि यहाँ पर जो ट्रस्टीज हैं वो कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी दंडाली की जा रही है और अब ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ से जो है श्राइन बोर्ड के तहत जो है इन्हें शिफ्ट कर दिया जाए और इसी के चलते यहाँ पर ये इस तरीके से आज आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है इनका यहाँ से इंदिरा चौक से निकलकर ये जाते हुए हरिद्वार की तरफ क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपका मांग है कि श्राइन बोर्ड के तहत धर्मन ट्रस्ट को कर दिया जाए, पर वही धर्मन ट्रस्ट का कहना है कि कई बार आपको बुलाया गया है मीटिंग के लिए, आप नहीं आ रहे हैं और जानबूझकर आप लोग जो है मीटिंग के लिए नहीं आ रहे। बिल्कुल झूठ, बुलाएंगे किस पे लिए? हमारी डिमांड है श्राइन बोर्ड बनाना, वो किस बात पे बुलाएंगे, वो क्या मीटिंग बुलाएंगे? जिन्होंने जो चोरियां की हैं, चोर कोई मीटिंग बुलाता है क्या? चोर मीटिंग नहीं बुला सकता। उन्होंने हमारी जमीन ने गैर हिंदुओं को बेची गंदरवाल के अंदर, हमारा जो ओल्ड ऑफिस जो रुकना रणबीर भवन श्रीनगर के अंदर, वो गैर हिंदुओं को बेचा। हमारी जो मंदिरों की जमीन ने पुंछ रजौरी के अंदर, वो गैर हिंदुओं को बेची और मंदिरों के खजाने उठा लिए। वो डाकू है, चोर है, वो हमारे साथ फेस नहीं कर सकते, वो कैश मीटिंग बुलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा जा रहा है, अगर कल की बात की जाए तो उनकी तरफ से साफ किया गया कि अपने इंटरेस्ट के लिए एम्प्लॉयज जो हैं इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जानबूझकर हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके अपने कुछ इंटरेस्ट जो हैं छुपे हुए हैं। हमारे क्या इंटरेस्ट है? हम बोल रहे हैं कि हमें ट्रस्टी बनाओ, हमारी ये मांग है, जहाँ हमें कुछ जमीन दे दो। अरे चोरो, आपने हमें ऑफर दी थी डॉक्टर करण सिंह ने 1998 में, हम आपको जमीन दे देते हैं करण नगर में, हम आपको ऐसी नौकरी दे देंगे, इतनी तनख्वाह दे देंगे, घर बैठे मिल जाएगी आपको, हम इलेक्शन लड़ाएंगे, MLA बनाएंगे, लेकिन जब आप नहीं माने, हमारी नौकरी टर्मिनेट कर दी, हमारा केस चल रहा है हाई कोर्ट में, हमें अभी इंसाफ नहीं मिला 20 साल हुए, वो मिलेगा हमें, लेकिन ये हमारी अपनी आस्था की लड़ाई है, हम हिंदू होने के नाते ये हमारी लड़ाई है, हमारे मंत्रों को इन्होंने जो दुर्दशा की है, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गवर्नर साहब से मिले हैं, इसका बोर्ड बनाया जाए, जैसे 86 में माता वैष्णो देवी जो हमारा हिस्सा था, धर्म अर्थ का हिस्सा था, उसका बोर्ड बना दिया, बाबा अमरनाथ का बना दिया, तो फिर इन मंत्रों का क्यों नहीं? जा क्यों वंशवाद? हम वंशवाद से मुक्ति चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त ट्रस्ट चाहते हैं, ये चोर हमसे क्या मुकाबला करेंगे, ये हमसे क्या मीटिंग कर सकते हैं? कहने के लिए अपने आप को डोगरा साम्राज्य जो कि अगर बात की जाए जिन जम्मू कश्मीर के शासक रहे हैं उसका एक हिस्सा बताते हैं, उस तरीके से मानते हैं कि हम यहाँ पर जो हिंदू हैं उनकी आवाज उठाते हैं, पर इस तरीके से उनके अपने एम्प्लॉयज बाहर सड़कों पर खड़े हैं, क्या कहेंगे? वो बात चला गया, हिंदुओं ने इनके ऊपर विश्वास किया और उसी का परिणाम था, 3-3 बार डॉक्टर करण सिंह सेंट्रल मिनिस्टर बने, फॉरेन एम्बेसडर बने, जे जम्मू कश्मीर के हिंदू इनको देवता मानते रहे, हम भी थे उसी में, लेकिन इन्होंने डोगरों के साथ विश्वासघात किया, इन्होंने कुर्सी के लिए डोगरों को दापा लगा दिया, अब मंदिर भेज रहे हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग इनके साथ नफरत करने लगे हैं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से इनका साफ कहना है कि अगर बात की जाए तो अब जो डोगरा शासक अपने आप को कहते हैं, जो मानते हैं कि हम डोगरा साम्राज्य के जो आखिरी शासक के तौर पर माने जाते हैं डॉक्टर करण सिंह, उन्होंने कहीं ना कहीं एक गलत रूप से जो है सारी नीतियां तैयार की और आज ये अपना गुस्सा जो है व्यक्त कर रहे हैं। इनका कहना है कि साफ तौर पर जो धर्म ट्रस्ट के तहत आने वाले जितने भी मंदिर हैं उन्हें जल्द से जल्द उनका एक श्राइन बोर्ड गठित किया जाना चाहिए और उन्हें उसके तहत लाना चाहिए
कि जो चोरियां धंधालियां जो लगातार की जा रही हैं उस पर रोक लगी जा सके। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि क्यों इस तरीके की सारी चीज़ें हो रही हैं। मैम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर बात की जाए धर्मा ट्रस्ट जो है माना जाता था कि जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसा ट्रस्ट है जो मंदिरों की रखवाली करता, पर आज उसी के एम्प्लॉय सड़कों पर हैं और साफ तौर पर जो ट्रस्टी हैं उनके खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, क्या रीज़न रहा? मैडम इन्होंने जो जो ट्रस्टी बने ये फ्राटू ट्रस्टी हैं। आप देखें जाए तो ये हमारा 200 साल पुराने ट्रस्ट थे, एक डिपार्टमेंट हुआ करता था गवर्नमेंट का। तो इन्होंने जब ये सदर रियासत आए तो इन्होंने जो जो ट्रस्ट है अपने नाम करवा लिया, ये जो इलीगल है। और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं अब ये जैसे 47 में लोगों के साथ मतलब वो हत्याचारी करते थे, अब ये जागरूक हो गए हैं क्योंकि इन्होंने इनकी जो ये जो ट्रस्टी हैं ये चोर हैं, इन्होंने हमारे मंदिरों की ज़मीनें बेच दी, गैर बेच दी है, मंदिरों का खजाना उठा के यहाँ से ले गए। शिवनाम मंदिर था हमारा, शिव जो एक शिवलिंग था वो क्या कहते हैं उसका, नीलम का शिवलिंग था, वो उठा के ले गए अपने घर में। एक मंदिर को जब मूर्ति स्थापना होती है तो आप खुद ही बताओ कि जब एक जगह पे मूर्ति की स्थापना होती है तो उसको कोई द्वारा उधर से उठाता है, इन्होंने वहाँ से उसकी पूजा करके उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह ने उसको वहाँ उनको प्रतिष्ठा दिलवाई थी, तो इन्होंने वो मंदिर शिवलिंग उठा के अपने घर में ले गए। आप बोलो ट्रस्टी चोर नहीं है तो क्या है? जो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जानना चाहती हूँ कि अगर ये चोर नहीं है तो क्या है? अगर ये चोर नहीं है तो इनकी CBI इंक्वायरी की जाए, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ की इंक्वायरी की जाए दूध का दूध पानी का पानी आपको दिख जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर जो है अब जितने भी इम्प्लॉयज़ जो हैं धर्म ट्रस्ट के उनकी तरफ से ट्रस्टीज के ऊपर साफ साफ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये लोग जो हैं चोर हैं, इन्होंने मंदिरों के साथ प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ किया है, उसमें बड़ी दंडाली की है। और अब ये जो इम्प्लॉयज़ हैं मांग कर रहे हैं कि धर्म ट्रस्ट को जो है श्राइन बोर्ड के तहत लाया जाए और साथ ही साथ जो है जल्द से जल्द इसे जो है इस पर CBI इंक्वायरी भी करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो जाए। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर संज्ञान लेते हैं। तो आप बने रहे दी अर्थ न्यूज़ के साथ।